पैन, आधार और वीडियो केवाईसी के साथ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके खोलें एक्सिस बैंक के साथ अपना टीडीएस फ्री डिजिटल करंट अकाउंट। इस प्रक्रिया को पूरा होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो कृपया वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें ताकि आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएं और अपना स्पाइस मनी के साथ टीडीएस फ्री डिजिटल करंट अकाउंट आज ही ओपन कर पाएं। टीडीएस फ्री डिजिटल करंट अकाउंट ओपन करने के लिए अपने पास ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। अपना पैन कार्ड, अपने पैन कार्ड की हार्ड कॉपी, लैपटॉप या मोबाइल जिसमें कैमरा वर्किंग कंडीशन में हो, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। जो भी अधिकारी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वह इंडियन टैक्स पेयर होना चाहिए, वह साथ ही उसके पास पहले से एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं इस आसान इंस्टेंटली एक्टिवेट होने वाले टीडीएस फ्री करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला, पैन मोबाइल आधार डिटेल्स वेरीफाई करना। दूसरा, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भरना। तीसरा, वीडियो केवाईसी करवाना। और चौथा, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। स्पाइस मनी ऐप या B2B पोर्टल में ID पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। करंट अकाउंट फ्रॉम एक्सिस बैंक टाइल को चुनें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। आगे का प्रोसेस स्पाइस मनी ऐप या B2B पोर्टल में सेम रहेगा। हमने इस प्रोसेस को B2B पोर्टल के माध्यम से पूरा किया है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगर आपकी स्क्रीन पर कोई इनिशियल फंडिंग अमाउंट दिख रहा है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि वह स्पाइस मनी के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। एक पॉपअप द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई क्रेडिट फैसिलिटी कैश या ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में एक्सिस बैंक से ली है या नहीं। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए नो पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। सिस्टम आपसे वीडियो केवाईसी के लिए आपकी लोकेशन और कैमरा को एक्सेस करने के राइट्स मांगेगा। आप कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड करें। अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें जो कि आपके आधार से लिंक्ड हो, और वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए आई अग्री पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे एंटर करें और कंफर्म OTP पर क्लिक करें। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। दिखाई गई स्क्रीन पर आपको अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एडिट करनी होगी। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स एडिट करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। अपनी ईमेल आईडी डालें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग सेलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन में एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी एनुअल इनकम डालें। सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करें। बिजनेस करते हुए कितने साल हो चुके हैं वह एंटर करें। दिए गए दोनों ऑप्शन में नो को सेलेक्ट करें और सेव पर क्लिक करें। डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो गई हैं। अब फैमिली डिटेल्स ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। अपने फादर और मदर का नाम व अन्य डिटेल्स अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग भरें। फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालें। मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालें। नॉमिनी की डिटेल्स डालें। नॉमिनी का नाम डालें। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वह सेलेक्ट करें। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ DD MM YY YY फॉर्मेट में डालें। नॉमिनी का एड्रेस डालें। यदि उसका एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट है तो नो सेलेक्ट करके उसका करेक्ट एड्रेस डालें, अन्यथा यस सेलेक्ट करके सेव करें। आपकी फैमिली डिटेल्स भरी जा चुकी हैं। अब अपनी एड्रेस डिटेल्स डालें, जिसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट करके अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालें। अपना परमानेंट रेजिडेंट टाइप सेलेक्ट करें, जैसे कि वह आपका अपना है तो ओन सेलेक्ट करें, रेंटेड या लीज्ड है तो यह ऑप्शन सेलेक्ट करें, पेरेंटल है तो यह ऑप्शन चुनें, कंपनी प्रोवाइडेड है तो यह ऑप्शन चुनें। आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के पिन कोड के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक की नियरेस्ट ब्रांच ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। सेव पर क्लिक करें। एग्री पर क्लिक करें। नीचे दिखाए गए ऑप्शन में से यस को सेलेक्ट करें, जिसका अर्थ यह है कि आप इंडियन सिटीजन हैं और साथ ही अपना टैक्स भी इंडिया में ही पे करते हैं। ध्यान दें, यदि आपने नो प्रेस किया तो आप एक्सिस बैंक के साथ अपना करंट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। रिव्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। यदि आप चाहें तो डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। यदि डिटेल्स करेक्ट है तो डन पर टैप करें। आपका दूसरा पड़ाव कम्प्लीट हो चुका है।
अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। इस पड़ाव में आपकी वीडियो केवाईसी होगी, जिसके लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। वीडियो केवाईसी के लिए अपना पैन कार्ड अपने साथ रेडी रखें और चेक बॉक्स पर टिक करें और चेक एजेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। एक्सिस बैंक एजेंट की अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है ताकि आपकी वीडियो केवाईसी पूरी कराई जा सके। कृपया इस पेज को ना छोड़ें और ना ही कोई नया ऐप एक्सेस करें। एक्सिस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ कनेक्ट होंगे और दिखाई गई स्क्रीन दिखेगी। क्लिक हियर टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करें। एक्सिस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ सवाल करेंगे जिनके जवाब आपको उन्हें देने होंगे ताकि आपकी वीडियो केवाईसी पूरी हो सके। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप किस लोकेशन से हैं, अपना पैन कार्ड नंबर बताएं व अपना पैन कार्ड दिखाएं। इस प्रकार आपकी वीडियो केवाईसी पूरी हो जाती है और तीसरा पड़ाव वीडियो केवाईसी का भी पूरा हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, जिसमें आपको वन टाइम डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्जेस पे करने होंगे। आप चाहें तो अपने अकाउंट में एडिशनल फंडिंग अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। आप फंडिंग पेज पर आ जाएंगे, ऐड ओनली डेबिट कार्ड चार्जेस ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिसमें आपको दिखाया गया अमाउंट पे करना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करें और ऐड अमाउंट पर क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI में से किसी भी ऑप्शन को चुनकर पेमेंट प्रोसीड करें। पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गई है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगा और साथ ही आपको 7 से 8 वर्किंग डेज में आपकी फिजिकल किट आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके आप अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, कस्टमर ID, इनिशियल फंडिंग अमाउंट, IFSC कोड, अकाउंट ब्रांच डिटेल्स। आपको अकाउंट की कंफर्मेशन आपकी मेल ID व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगी। अब आप व्यू CVV पर अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड का CVV नंबर चेक कर सकते हैं और पिन रीसेट करने के लिए सेट डेबिट कार्ड पिन पर क्लिक करें। 4 डिजिट का पिन एंटर करें और सेट पिन पर क्लिक करें। पिन दोबारे से कंफर्म करने के लिए एंटर करें और डन पर क्लिक करें। पिन सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेशन के बाद आप एक्सिस बैंक करंट अकाउंट की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ही खोलें स्पाइस मनी अधिकारी एक्सिस बैंक के साथ अपना TDS फ्री डिजिटल करंट अकाउंट खास आप सभी के लिए। धन्यवाद। स्पाइस मनी से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए आज ही स्पाइस मनी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।